के पहले मैं दो तीन बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ने की जिम्मेवारी दी गई है अब और हम लोगों का नाम रखा गया है लोकतांत्रिक जनता दल, मेरे सामने एक समस्या है। समस्या यह है कि अब देश में लोकतंत्र केवल कहने के लिए बचा है। जिस तरह से हाथी का दांत होता है जो खाने का दांत बहुत छोटा होता है और दिखाने का दांत बहुत बड़ा होता है, आज वही लोकतंत्र का नाम हो गया है इस राज्य में। पिछले चार वर्षों से जब से दिल्ली की हुकूमत आई है तब से इस एनडीए की हुकूमत में, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपने कल की घटना को देखा है जो कुछ भी कर्नाटक में हुआ, मतलब कि जो काम दिल्ली में बैठी हुकूमत सांप्रदायिक ताकत के लोग करते हैं वो कितना भी जुल्म करें कितना भी अन्याय करें वो उसको न्याय का चुंगा पहनाया जाता है। एक एक करके उसने देश में लोकतंत्र को संसदीय परंपरा को समाप्त किया, गोवा में खत्म किया, मेघालय में खत्म किया, मणिपुर में खत्म किया और अब तो कर्नाटक में आप देख लीजिए कर्नाटक का वोट का प्रतिशत 55-56% जो है जो बीजेपी के विरोध में आई है। जेडीएस का केवल कांग्रेस पार्टी का वोट देख लेंगे तो 37% वोट है, 37% कुछ और बीजेपी का वोट कुछ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। वहां के गवर्नर को इससे कोई मतलब नहीं है। एक घंटे के अंदर लोकतंत्र का गला घोंट करके और जनमत के विरोध में वहां येदियुरप्पा जी को कुर्सी पर वोट दिला दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। और एक घंटा के अंदर बिहार में जब सत्ता परिवार महागठबंधन तोड़ के बिहार के नेता गए थे नीतीश कुमार जी, तो एक घंटा के अंदर तेजस्वी को मिलने का समय दे करके गवर्नर ने कहा नहीं मिलेंगे बड़ी पार्टी थी तो, और नीतीश कुमार का एक घंटा के अंदर वोट कराया था। ये है संवैधानिक मापदंड। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं आपके बीच में कि अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दूसरी ओर सांप्रदायिक ताकतें मुंह पर खड़ा हो गई है। जो भी वादा किया ये जुमला वाला पार्टी, उन अपने सभी वादों को भूल करके ना किसी को रोजगार दिया ना भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, बल्कि इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टतम सरकार अगर कोई आजादी के बाद बनी है तो संस्थागत भ्रष्टतम सरकार जो बनी वो बीजेपी एनडीए की सरकार बनी। पूरा देश का पैसा लूट लिया, गांव के पैसा को जनधन के नाम में बैंकों में जमा करा दिया और सैकड़ों लोग नोटबंदी में मर गए, सैकड़ों लोग मर गए नोटबंदी में और उसका जश्न मनाने का काम किया। और अब उन सभी पैसों को लेकर के नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी, मेहुल चौकसी आदि लोगों ने ललित मोदी लेके फरार हो गए। इसको देश के लोगों ने भगा दिया बाहर चौकीदार और कहते थे कि 56 इंच के सीना वाले का क्या हाल है। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि मैं आपके प्रस्ताव को पहले पढ़ दूं, मैं उस प्रस्ताव को पढ़ता हूं, लेकिन एक साथ साथ दो लाइन केवल कहना चाहूंगा कि इस देश में दलित आदिवासी पिछड़े सब लोगों के हक और ओबीसी के हक पर जो मारा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक जनता दल उन सपनों को साकार करने का काम करेगी और आगे 19 में आने वाले चुनाव में उसको बताने का काम करेगी। और 1 किलोमीटर अगर कोई मुसलमान लेके जाता है तो उसके ऊपर लिंचिंग का लगा करके उसकी हत्या कर दी जाती है और केवल 90 हाथ घर वापसी और जनकपुर से जाकर के कर्नाटक के चुनाव से केवल जनकपुर और अयोध्या तक में ही पूरे देश के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, ऐसी वातावरण बताए। तो इस सांप्रदायिक शक्ति वाली ताकत, दलित आदिवासी विरोधी ताकत वाली जो सरकार है उसके खिलाफ जो आया है राजनीतिक प्रस्ताव, मैं उसको पढ़ने का काम कर रहा हूं। लोकतांत्रिक जनता दल सम्मेलन में आए प्रतिनिधि मानते हैं
देश चौतरफा संकट के दौर से गुजर रहा है। राजनीति कुछ कारपोरेट घरानों एवं समाज में आधिपत्य जमाए सामाजिक समूहों के हाथों में सिमटती जा रही है। अन्याय, अत्याचार, शोषण, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जनता तक सत्ता पहुंचाने का जो सपना आजादी के आंदोलन के दौरान शहीद हुए 1.5 लाख से अधिक शहीदों और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा था, वह तिरोहित होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के चुनाव में अच्छे दिन से लेकर सबका साथ सबका विकास करने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार की सभी घोषणाएं डबल संख्या एवं जुमलेबाजी साबित हुई है। किसानों की कर्ज माफी तथा 1.5 गुना दाम देने का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली सरकार 20 लाख रोजगार भी सालाना नहीं दे पा रही है। नोटबंदी के चलते लाखों रोजगार में लगे लोग बेरोजगार हो गए हैं। काला धन वापस लाकर 15 लाख रुपए हर नागरिक के खाते में पहुंचाने का वादा सरकार भूल चुकी है। सरकार केवल पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के बीच बांटने, पूरे देश में भगवाकरण करने के काम में जुटी है। समाज के विभिन्न वंचित एवं अल्पसंख्यक समूह तनाव, असुरक्षा तथा हिंसा से पीड़ित है। मां गोरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा संवैधानिक मूल्यों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। न्यायपालिका को प्रभावित करने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया है। वायदे के अनुसार आज तक देश में लोकपाल और लोक आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई। ललित मोदी, विजय माल्या तथा नीरव मोदी और सुनियोजित तौर पर संरक्षण देकर देश से भगाना यह बताता है कि सरकार केवल कॉर्पोरेटों को देश की आम जनता को लूटने की ही छूट नहीं दे रही है, बल्कि लुटेरों को भगाने के षड्यंत्र में भी शामिल है। केंद्र सरकार देश में संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। उसके खिलाफ दक्षिण के राज्यों को एकजुट होकर बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्थापना सम्मेलन दक्षिण के राज्यों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करने की घोषणा करता है। केंद्र सरकार सुनियोजित तौर पर देश की विविधता को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। सम्मेलन मानता है कि बहुलतावाद का सम्मान ही सच्चा लोकतंत्र है। सम्मेलन की मान्यता है कि देश के विविधता पर हमला राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमजोर करने की सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ शरद यादव के नेतृत्व में साझा विरासत सम्मेलन किए गए हैं। इस तरह के साझा विरासत सम्मेलन देश के सभी राज्यों में करने का निर्णय लेता है। सत्तारूढ़ दल संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमला कर रहा है, जिसके चलते लोकतंत्र खतरे में है। स्थापना सम्मेलन में आए साथियों ने लोकतंत्र को लाने और बहाल करने के लिए तमाम कुर्बानियां दी है। सम्मेलन ऐलान करता है कि लोकतंत्र पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा तथा कोई भी समझौता नहीं होने देगा। केंद्र सरकार ने समाज में ऐसे समूहों को ताकत दी है जो ऐतिहासिक तौर पर अन्याय से पीड़ित समूहों को इंसान मानने को तैयार नहीं है। सम्मेलन मानवीय मूल्यों का तिरस्कार करने वाले समूहों को चेतावनी देता है कि वे सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा पैदा करना बंद करें। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि शपथ लें कि वे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, साबरी महाराज, कबीर, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, बाबा साहेब अम्बेडकर, यूसुफ, मेहर अली, कमला देवी, चट्टोपाध्याय, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भेदभाव रहित समतापूर्ण समाज बनाने के लिए हर कुर्बानी देकर संघर्ष करेंगे। सम्मेलन मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को अक्षरशः लागू करने के लिए संघर्ष का ऐलान करता है। सम्मेलन सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान करता है। केंद्र सरकार नकली राष्ट्रवाद के नाम पर नागरिकों की मूलभूत समस्याओं को नकार रही है। सम्मेलन सरकार की साजिश को विफल करने
तथा जनता को मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर गोलबंद करने का निर्णय करता है। लोकतांत्रिक जनता दल मानता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पीने का पानी और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार इन जिम्मेदारियों से पीछे हटती है। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का पूरी तरह निजीकरण करने का हर संभव प्रयास किया है, जिसके चलते आम जनता शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं से पहले ही अधिक वंचित होती जा रही है। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर सरकार वाहवाही लूटना चाहती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस तरह से फसल बीमा योजना में 25,000 किसानों से प्रीमियम वसूल कर किसानों को 8,000 करोड़ की ही मुआवजा दिया गया, बाकी पैसा बीमा कंपनियों ने लूट लिया, वही स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में होने जा रहा है। सम्मेलन बेरोजगारी की समस्या को देश की युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या मानता है तथा इसे हल कराने के लिए काम के अधिकार और मौलिक अधिकारों में शामिल कराने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी संघर्ष चलाने की घोषणा करता है। चुनाव में पूंजी लगातार हावी होता जा रहा है, जिसके चलते आम राजनीतिक कार्यकर्ता का चुनाव लड़ना और जीतना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लोकतांत्रिक जनता दल चुनाव सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सम्मेलन चुनाव सुधारों को लागू कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर पूरे देश आशंकित है। ईवीएम की गिनती पर किसी को भरोसा नहीं है। इस कारण सम्मेलन चुनाव आयोग से अपील करता है कि वह ईवीएम की गिनती के साथ साथ वीवीपैट की पर्चियों को भी गिनती साथ साथ कराए, ताकि देश के मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया के साथ विश्वास बहाल हो सके। उक्त परिस्थितियों के चलते देश में निराशा का वातावरण बन रहा है। लोकतांत्रिक जनता दल इस निराशा को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि इस तथ्य को पुनः देश के समक्ष रखना चाहते हैं कि गत चुनाव में भाजपा को केवल 31% मत मिले थे, अर्थात 90% मतदाताओं ने केंद्र सरकार के पक्ष में मतदान नहीं किया था। इन मतदाताओं तक पहुंचने का सम्मेलन में आए प्रतिनिधि संकल्प लेती है, ताकि उन्हें देश के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी गोलबंद कर सकें। सम्मेलन मानता है कि देश में वातावरण बदल रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लोकसभा के चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि देश का मतदाता केंद्र सरकार को बदलना चाहता है। किसानों के बीच संपूर्ण कर्जा मुक्ति और सभी कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना तय करने के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार व्यापक एकजुटता दिखलाई दे रही है। इस एकजुटता के चलते सरकार को भू अधिग्रहण संबंधी अध्यादेशों को वापस लेना पड़ा। 192 किसान संगठनों ने मिलकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के माध्यम से 2 बिल तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ा है, जिसका लोकतांत्रिक जनता दल समर्थन करता है। सम्मेलन को खुशी है कि 21वीं विपक्षी दल पहली बार मिलकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हम देश के किसानों से अपील करते हैं कि किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज स्थापना दिवस के अवसर पर देश के किसानों से यह सम्मेलन वायदा करता है कि वह उनके साथ अब तक हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए हर संभव सहयोग करेंगे। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के द्वारा लंबे संघर्ष के बाद हासिल अधिकारों पर घातक हमला करते हुए श्रम कानूनों को कॉर्पोरेट के पक्ष में बदलता है। श्रमिक संगठनों ने भी व्यापक एकजुटता बनाकर केंद्र सरकार को कड़ी चुनौती दी है। हमें खुशी है कि समाजवादियों के प्रतिनिधि श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा द्वारा श्रमिक संगठनों की एकजुटता की अगुवाई की जा रही है। स्थापना सम्मेलन में आए प्रतिनिधि हिंद मजदूर सभा को हर स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लेते हैं, ताकि मजदूर विरोधी नीतियों को बदला जा सके तथा श्रमिकों का सम्मानजनक एवं सुरक्षित रोजगार बचाया जा सके। साथ ही साथ नए रोजगारों के सृजन हेतु नीतियां बनाई जा सके। देश में छात्रों, युवाओं के बीच 1974 के बाद एक बार फिर एकजुटता देखी जा रही है। जेएनयू एम उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन को जिस तरह से राष्ट्रवाद विरोधी साबित करने की कोशिश की गई, उसकी यह सम्मेलन निंदा करता है तथा छात्र युवा आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान करता है।
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून में संशोधन के खिलाफ हुए राष्ट्रव्यापी विरोध से यह साबित हो गया है कि अब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जागरूक होकर संगठन बनाकर संघर्ष करने के लिए मैदान में हैं, अपने हक और अधिकार को सतत प्रतिशील जो मानेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। इतना ही के साथ आज ये राजनीतिक प्रस्ताव मैं अपनी ओर से समाप्त करता हूँ।